हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग 80 पेजेस के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 80 पेजेस जो होते हैं उनको 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पी टाइप 80 पेजेस, वी टाइप 80 पेजेस, एफ टाइप 80 पेजेस और ABC ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, हम लोग पी टाइप और वी टाइप 80 पेजेस के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे एफ टाइप 80 पेजेस के बारे में। ठीक है, तो एफ टाइप 80 पेजेस जो होते हैं बेसिकली ये भी एक तरह के प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। मैंने आपको बी टाइप 80 पेजेस के बारे में भी बताया था कि बी टाइप 80 पेजेस भी मेनली प्रोटॉन पंप्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से एफ टाइप 80 पेजेस भी क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप होते हैं। प्रोटॉन पंप का मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्टेशन को मेडिएट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं और 80 पेजेस हैं, ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं? सॉल्यूट्स के अपहिल मूवमेंट को मेडिएट करते हैं। अपहिल मूवमेंट मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, तो सपोज दैट ये एक मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो ये एफ टाइप 80 पेजेस क्या करेंगे, ये प्रोटॉन के मूवमेंट को फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मीडिएट करेंगे। एक चीज पंप है तो ये काम करेंगे। दूसरा, ये 80 पेजेस हैं, तो 80 पेजेस के बारे में मैंने बताया कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स अगर एज एनर्जी सोर्स ATP को यूटिलाइज करते हैं तो ये क्या करेगा, एक ATP को यूज करेगा। ठीक है, और ADP+PI में कन्वर्ट करेगा। ठीक, ATP को यूटिलाइज करके क्या करेगा, प्रोटॉन की पंपिंग करेगा। ठीक, तो वी टाइप और एफ टाइप 80 पेजेस में डिफरेंस क्या क्या है? ठीक, बात याद है क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन पंप हैं तो हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक, तो पहला डिफरेंस ये होता है कि एफ टाइप 80 पेजेस जो होते हैं यहाँ पे जो प्रोटॉन की पंपिंग होती है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक, ये जो रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं ये वो रिवर्सिबल होती है, इसीलिए इनको रिवर्स प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, रिवर्स प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। ठीक, अब रिवर्स प्रोटॉन पंप का मतलब क्या हुआ, ये अपहिल प्रोटॉन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक, अपहिल मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उस समय क्या करते हैं, ATP का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, प्रोटॉन्स के डाउनहिल मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं। ठीक, अगर प्रोटॉन का डाउनहिल मूवमेंट होता है तो उस समय प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी वहां पे रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये ATP की सिंथेसिस भी करते हैं। मतलब दोनों काम कर रहे हैं, अप हिल मूवमेंट के समय ये ATP का यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है तो ये डाउन हिल मूवमेंट को भी मेडिएट करते हैं और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कपल्ड कर देते हैं किसके साथ में, ATP के सिंथेसिस के साथ में। किसको? प्रोटॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को कपुल्ड कर देने किसके साथ, ATP के सिंथेसिस के साथ कपुल्ड कर रहे हैं, इसीलिए इनको कपुलिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको कपुलिंग फैक्टर। ठीक, तो ये प्रोटॉन पंप है एक चीज, दूसरी चीज ये रिवर्स प्रोटॉन पंप है। ठीक है, टाइप 80 पेजेस की बात करें तो वो सिर्फ प्रोटॉन के अपहिल मूवमेंट को ही फैसिलिटेट है, मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही प्रोटॉन के मूवमेंट को मेडिएट कर रहे थे। मतलब अपहिल मूवमेंट को ही वो मेडिएट कर रहे थे। ठीक, वहां पे कोई भी ऐसी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं थी, वो सिर्फ ATP का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, सिंथेसिस में उनका कोई रोल नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि वी टाइप 80 पेजेस जो होते हैं वो ज्यादातर इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो वेसाइकल्स होती हैं और जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स होती हैं, गल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन होती है, वहां पे ये मैक्सिमम पाए जाते हैं। दो ही जगह ऐसी थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, प्लांट में, बैक्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसी जगहों पर वी टाइप 80 पेजेस पाए जाते हैं। एफ टाइप 80 पेजेस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो एफ टाइप 80 पेजेस पाए जाते हैं, अगर लोकेशन की हम लोग बात करें तो ये पाए जाते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं,
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट की थैलेकोइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक, क्लोरोप्लास्ट की थैलेकोइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके लोकेशन की बात हुई। वी टाइप एटी पेजेस से ये लोकेशन के मामले में भी डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, एक तो ये रिवर्स प्रोटॉन पंप है, ठीक है, और दूसरा ये इनकी लोकेशन में डिफरेंस है, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि कौन कौन सी सब यूनिट्स वहाँ पे होती हैं मेनली। वैसे एफ टाइप एटी पेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी बी टाइप एटी पेजेस की स्ट्रक्चर की तरह ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सारी सब यूनिट्स की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपोर्ट प्रोसेस समझाना है मुझे, तो मैं ट्रांसपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में रखकर ही एफ टाइप एटी पेजेस के बारे में बात करूँगा। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ पर आपको एफ टाइप एटी पेजेस के बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगा, सारी सब यूनिट्स के बारे में मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बात करते हैं एफ टाइप एटी पेजेस के स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है, सबसे पहली बात हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वी टाइप एटी पेजेस को रिकॉल कराता हूँ। वी टाइप एटी पेजेस में मैंने कहा था कि वहाँ पे मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं, जिनको एक वी जीरो सब यूनिट होती है और दूसरी वी वन सब यूनिट होती है, ठीक है। वी जीरो सब यूनिट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन थी, जो कि प्रोटॉन चैनल बना रही थी, और वी वन एक पेरिफेरल प्रोटीन थी जिसके पास एटी पेज एक्टिविटी थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ टाइप एटी पेजेस के केस में भी दो सब यूनिट्स हैं, ठीक, दो मेजर सब यूनिट्स हैं, और ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सब यूनिट्स से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। तो एक सब यूनिट को कहा जाता है एफ जीरो, ठीक है, और दूसरी को कहा जाता है एफ वन, ठीक है, एफ जीरो और एफ वन, ठीक। अब इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, ये एफ जीरो एफ वन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। आप लोगों ने अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरह की वहाँ पे दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, और दोनों ही मेम्ब्रेन के पास दो बाइलेयर होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, ठीक। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, ड्रॉ करूँ, तो आप देखिए कुछ इस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा हो। तो ये यहाँ पे मैं आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन के पास भी बाइलेयर है, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैंने बाहर बनाया ये सिंपली लिपिड बाइलेयर, जैसे आपने देखा होगा उसी तरह की तरीके की ये मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक, ये आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होती है, वो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। किस तरह से होता है उसको भी बना के थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये भी एक बाइलेयर ही होती है, ठीक है। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये कॉन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है। ये क्या है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये कॉन्वोल्यूटेड होने की वजह से इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी, ठीक। और इसके अंदर में जो मैट्रिक्स भरा हुआ है ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बहुत ध्यान समझिएगा, आगे चल के ये जानकारी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रीफ में बता रहा हूँ, आगे चल के मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा जब मैं प्रोटीन की सॉर्टिंग वगैरह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाऊंगा, तब मैं और अच्छे से इसको एलेबोरेट करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको ये एफ जीरो और एफ वन है क्या, मैंने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है ये चीज आप लोग जानते हैं, मैं बस जस्ट आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई, तो ये मेजर पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके अलावा इसके पास डीएनए भी होता है, आपको पता होगा, राइबोसोम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें हम लोग क्रिस्टी दिखा रहे हैं, इसके पास में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने देखा होगा, आपने बना हुआ भी देखा होगा और आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक। इसको कहा जाता है F1 पार्टिकल। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको इलेबरेट करूँ तो इसी को कहा जाता है F0F1 पार्टिकल। ये F0F1 पार्टिकल जो है ये क्या है, एक टाइप का, एक तरह का F टाइप एटी फेज है, ठीक है। इसीलिए इसकी सब यूनिट सब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, F0 और F1। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, F1 है, और ये वाला जो पोर्शन है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ये क्या है, F0 है। ये दोनों मिलकर के F0F1 पार्टिकल बनाते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये ऑक्सीसोम है, और यही ऑक्सीसोम एटीपी सिंथेसिस का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कंजर्विंग ऑर्गेनेल है सेल का, आपको पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो जो एनर्जी एटीपी की एनर्जी बनती किसके फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में बनती है, ठीक। तो जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उसकी सिंथेसिस का काम यही F0F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम करता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है एटीपी सिंथेसिस, ठीक। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से कि एटीपी सिंथेस पाया कहाँ जाता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, थैलोकॉइड मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, वहां भी फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये लोकेटेड होता है, ठीक। तो यही होता है F1F0 पार्टिकल, वो एक तरीके का एफ टाइप एटीपेज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफ टाइप एटीपेज का स्ट्रक्चर किस तरह से वाकई में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है, मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि F0 होती है और दूसरी सब यूनिट होती है F1, ठीक। और अभी अभी मैंने बताया कि जो F0 है, जैसा कि V0 था बी टाइप एटी पेजेस के केस में, F0 क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन एफ टाइप एटी पेज का ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटॉन चैनल बनाता है, प्रोटॉन के मूवमेंट को मेडिएट करने का काम करता है, ये क्या बनाएगा, प्रोटॉन चैनल बनाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये जो F0 है यहाँ पे, जीरो, इसको आप लोग FO से याद रखिएगा। ये जीरो या O अगर हम कहें तो यहाँ पे ये O क्यों लगाया जाता है, ये O का मतलब होता है दिस सब यूनिट या दिस डोमेन इज इनहिबिटेड बाई, इसकी एक्टिविटी आप कह सकते हैं, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है, इनहिबिटेड बाय किसके थ्रू, ओलिगोमाइसिन, एक ड्रग होती है ओलिगोमाइसिन, वो क्या करती है अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओलिगोमाइसिन क्या करती है, F0 सब यूनिट को या F0 डोमेन को इनहिबिट करती है। अब आप सोचिए अगर F0 सब यूनिट इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है जिसके थ्रू एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, वो प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब एटीपी की सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक। तो ये एफ टाइप एटीपीएज कर क्या रहा था, कपुल कर रहा था, एक रिएक्शन को कपुल, दो रिएक्शन को कपुल कर रहा था, पहला तो प्रोटॉन मूवमेंट के साथ साथ एटीपी की सिंथेसिस को कपुल कर रहा था। अब क्या होगा, अगर ऑलिगोमाइसिन आ गई तो ये कपुलिंग रुक जाएगी, इसीलिए ऑलिगोमाइसिन को अनकपुलर भी कहते हैं, क्योंकि ये कपुलिंग फैक्टर को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कैसे करता है, इनहिबिट कैसे करता है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो FO का मतलब हो गया इनहिबिटेड बाई ऑलिगोमाइसिन, ये इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी सब यूनिट आपकी आती है जिसको आप कह सकते हैं दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल डोमेन है, बाहर की तरफ निकला रहता है, किस तरफ रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ ये यूनिट रहती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करें तो ये क्या है, पेरिफेरल, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन के पास क्या क्या है, इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, इसके पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, और एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ साथ एटीपेज एक्टिविटी भी है, एटीपेज एक्टिविटी है, ठीक, एटीपेज एक्टिविटी का, जब ये प्रोटॉन के अपहिल ट्रांसपोर्ट को मेडिएट करे, अपहिल ट्रांसपोर्ट को, तब इसकी कौन सी एक्टिविटी एक्टिवेट होगी,
एटी पेज एक्टिविटी। इसके अलावा इसके पास एक दूसरी एक्टिविटी है जिसको आप कह सकते हैं एटीपी सिंथेज एक्टिविटी, एटीपी सिंथेज एक्टिविटी। ठीक, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि F1 अकेला इतने सारे फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि F1 जो F1 डोमेन है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स की सब यूनिट्स हैं, बीटा गामा डेल्टा सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, बहुत सारे सब यूनिट्स हैं और हर एक सब यूनिट में अलग अलग एक्टिविटी है। किसी के पास एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी है तो किसी सब यूनिट के पास एटीपी को हाइड्रोलाइज करने वाली एक्टिविटी है। ठीक, तो इसीलिए ये इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक, तो F1 के पास एटीपेज एक्टिविटी भी है, एटीपी को तोड़ने की भी कैपेसिटी है और एटीपी को सिंथेसाइज करने की भी कैपेसिटी है। ठीक, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट एटीपेज है। ठीक, एफ टाइप एटीपेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। ठीक, इसका मेजर काम क्या है कि जो भी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं से भी रिलीज हो रही है उसको कंजर्व करेगा। और मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अगर उस एनर्जी को ये कपलिंग फैक्टर कपल करके यूटिलाइज ना करे, एटीपी की सिंथेसिस ना करे, तो पूरी माइटोकॉन्ड्रिया ब्रस्ट हो सकती है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रस्ट होगा तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा एनर्जी डेसिपेट होगी और उस एनर्जी से पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये एफ टाइप एटीपेजेस काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ कि वाकई में ये किस तरह से मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करते हैं, प्रोटॉन का ग्रेडियंट कहाँ बनता है। ठीक, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आगे चल के मैं सारी चीजें बताऊंगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट आता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो हम लोगों ने एफ टाइप एटी पेजेस के लोकेशन के बारे में बात की, मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया। मैं फिर से रिकॉल करता हूँ शुरू करने से पहले, मैंने कहा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है जहाँ पे प्रोटॉन को सेल से बाहर पंप करने का काम करती है। ठीक है, दूसरा ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में या थायलोकाइड मेम्ब्रेन आप कहें या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, मैंने अभी अभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, फिर से बनाता हूँ। मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक, एक मेम्ब्रेन ये थी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन को मैंने कुछ इस तरह से बनाया था। ठीक, तो ये दो मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन है बेसिकली, ये भी क्या है, बाई लेयर है, इसके पास भी दो लेयर है। ठीक, अब मैं इन दोनों मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जूम करके बनाऊंगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये हमारा यहाँ पे साइटोसॉल में पड़ी होती है। ठीक है, साइटोसॉल होता है। अब इस स्ट्रक्चर को, इन दोनों मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपके F0 F1 पार्टिकल या F टाइप एटीपेज या फिर आप कहें कपलिंग फैक्टर या फिर आप कहें एटीपी सिंथेस होता है। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये वाला। ठीक, इतनी चीज मैंने आपको अभी भी बताया था। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये होगी क्या, एक बाइलेयर है। ठीक है, ये बाइलेयर है, मैं फटाफट बना दे रहा हूँ। ठीक, ये है बाइलेयर। ठीक, कुछ इस तरह से। दूसरा, एक जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो इसके नीचे होगी, ठीक, अंदर की तरफ होगी, और ये भी क्या है, बाई लेयर है, ये क्रिस्टी है, थोड़ा सा इसमें कॉन्वोल्यूशन होगा बट वो चीज़ में बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए इसको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे मैंने कहा था कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को मैंने कहा था ये क्रिस्टी। इसी के पास ऑक्सीसोम या F1 F0 पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल है। ठीक है, फिर मैं इस चीज़ को बनाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, ये मैंने कहा था इसके पास दो सब यूनिट है। ठीक है, एक सब यूनिट है जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो सबसे पहले मैंने उस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और दूसरी सब यूनिट थी जिसके पास एटीपी सिंथेज या फिर एटीपीएज एक्टिविटी थी, जिसको हम लोग F1 कह रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी F1 सब यूनिट जो कि पेरीफेरल प्रोटीन है, और दूसरी हमारी ये क्या है, F0 जो ऑलिगोमाइसिन जिसका इनहिबिटर है, F0 जो कि हमारा क्या बनाएगी, प्रोटॉन चैनल बनाएगी। यहाँ से होकर के प्रोटॉन्स यहाँ पे इस इनर माइटो, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह स्पेस,
ठीक इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या करेगा ये, सबसे पहला काम ये क्या करेगा, ये एक चीज ये करता है एटीपी को यूटिलाइज करता है, एटीपी सिंथेस के थ्रू एटीपी को तोड़ता है, एडीपी प्लस पीआई। ठीक, एक रिएक्शन तो ये है। ठीक है, और ये इस रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन कम है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ये प्रोटॉन के मूवमेंट को मेडिएट करते हैं, एक तो ये ग्रुप। ठीक, और ये प्रोसेस मैंने आपको बताया रिवर्सिबल होती है। ठीक, रिवर्सिबल मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स जब आ जाएंगे, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से प्रोटॉन्स अपने आप मूव करेंगे, स्पॉन्टेनियसली मूव करने लगेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय यूजिंग दिस चैनल, इसी चैनल को यूज करते हुए आने लगेंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ से मूव करके आ रहे होंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को ये एटीपी सिंथेस, ये जो हमारा F1 वाला पोर्शन है, यूटिलाइज करेगा और इसकी एटीपी सिंथेस एक्टिविटी से क्या करेगा, एडीपी का यूज करेगा और क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से फंक्शन करता है। ठीक, अब यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में, एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, एटीपी की सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वो एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ से आती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से आती है। ठीक है, तो एटीपी की सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट को ही यूटिलाइज करके एटीपी सिंथेस, एटीपी की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब इस स्पेस में, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आपका आप कहें कि तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास जो स्पेस होता है वहाँ पे किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन पंप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन पंप होते हैं, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो या तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करके प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो अदर प्रोटॉन पंप होते हैं जो यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शन में सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे प्रोटॉन पंप करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पंप हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा इसके बारे में, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। ठीक, वो रेडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो वहाँ पे जो प्रोटॉन पंपिंग जो प्रोटॉन पंपिंग होती है वो सोलर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से होती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन मेजर सोर्सेज बताए थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, एक तो एटीपी जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, एटी पेजेस में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था रेडॉक्स कपल्ड होते हैं, रेडॉक्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो ऑक्सीडेशन से, सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करके प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दिया कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किसमें करते हैं, प्रोटॉन की पंपिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली मेरा जो बताने का मतलब ये था, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एटी पेज जो एफ टाइप एटी पेज होता है वो एक तरह का कपलिंग फैक्टर है। ठीक है, अब ये ओलिगोमाइसिन से कैसे इनहिबिट होता है, F0 सब यूनिट, यहाँ पे होता क्या है, मैंने कहा यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब चाहे तब प्रोटॉन मूव करके नहीं आ सकता। ठीक, प्रोटॉन एक निश्चित टाइम के बाद, एक निश्चित, एक डिफिनिट कंसंट्रेशन, एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तभी यहाँ से मूव करके आ सकता है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे ओलिगोमाइसिन आ जाता है तो ओलिगोमाइसिन क्या करता है, वो इस F0 वाली सब यूनिट को, इस F0 वाले डोमेन को जो कि प्रोटॉन चैनल बनाता है, इसको परमानेंट प्रोटॉन चैनल में कन्वर्ट कर देता है, परमानेंट प्रोटॉन चैनल में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रोटॉन चैनल क्या करेगा, मैंने आपको बताया था चैनल्स आर ऑलवेज पैसिव और वो क्या करते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो होगा क्या, अगर ओलिगोमाइसिन आ जाएगा तो ये परमानेंट चैनल बन जाएगा और ये परमानेंट चैनल यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनने ही नहीं देगा,
ठीक है, ये लगातार प्रोटॉन को नीचे अंदर भेजता रहेगा, इधर से प्रोटॉन पंप होके आ रहे हैं और ये लगातार भेजता रहेगा, तो कपलिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि उसको उतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं कि वो वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस कर पाए, एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी स्विच ऑन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए ऑलिगोमाइसिन को अनकपलर कहते हैं और इसी तरह से एफ जीरो पार्टिकल को इनहिबिट करता है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है, तो इसकी एक्टिविटी प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही कंट्रोल होती है। ठीक, प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे जैसे बनता जाएगा इसकी एक्टिविटी स्विच ऑन स्विच ऑफ अपने आप होती रहती है। ठीक है, फास्फोरिलेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है, एक्टिविटी के लिए डू नॉट रिक्वायर फास्फोराइलेशन, यहाँ पे फास्फोराइलेशन की जरूरत नहीं होती है, फास्फोराइलेशन की जरूरत सिर्फ पी टाइप एटीपेज़ेस को होती है। इसका मतलब ये भी बैंडेड से इनहिबिट नहीं होते हैं। ठीक, तो इनका इनहिबिटर कौन है, ऑलिगोमाइसिन। ठीक, बैंडेड से इनहिबिट इसीलिए ना, तो कोई फास्फोराइलेशन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ एक प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। ठीक है, आर्किबैक्टीरिया के पास इसी F1F0 पार्टिकल का एक होमोलॉगस पाया जाता है। आर्किबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, आर्किबैक्टीरिया के पास F1F0 पार्टिकल का F0F1 का एक होमोलॉगस पाया जाता है, क्लोज होमोलॉगस पाया जाता है जिसको कहते हैं A0A1 पार्टिकल या A0A1 एटीपेज। ठीक है, A0A1 भी बिल्कुल सेम वही काम करता है जो F0F1 करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आर्किबैक्टीरिया में F1F0 की जगह पर F0F1 की जगह पर A0A1 पाया जाता है। ये भी एक तरीके का F टाइप एटीपेज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने F टाइप एटीपेजेस के बारे में लगभग जितनी जानकारी मेरे पास थी और अपडेटेड जानकारी जो भी थी वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ बताई। ठीक, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एफ टाइप एटीपेज़ के बारे में समझाने की कोशिश किया, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल कपलिंग फैक्टर के बारे में भी बताने की कोशिश। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे था मेरे हिसाब से, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी डाउट होता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक अलग से डाउट क्लास लेके सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा और सिंप्लीफाइड वे में और बेस से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको ये सारी चीज़ें बना के दिखा दूंगा, कहाँ से प्रोटॉन ग्रेडियंट आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं उसी लेक्चर में कवर कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे एफ टाइप एटीपेजेस मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एटीपेज का एग्जांपल एक एग्जांपल है, वो जस्ट प्रोटॉन की पंपिंग करता है, आपको इतना याद रखना है और कहाँ पाया जाता है, किससे इनहिबिट होता है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में सिस्टम फिजियोलॉजी या प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं पूरा फिर से डिटेल में इस सारे प्रोसेस के बारे में वहाँ पे बात करूँगा, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से होता है, एक एक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ABC ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सजेशन जरूर दीजिए हमें, ताकि हमको ये पता चले कि हम लोग सही डायरेक्शन में हैं या फिर हमें और इम्प्रूव करने की कुछ ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें अगर आप हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का मन करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, हमको बताइए कि किस तरह से हमारे वीडियो जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह से मैं और मेहनत करूँगा। ठीक है, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, क्योंकि हम लोग रेगुलर वीडियो डालने की इस समय कोशिश कर रहे हैं और हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं और सीक्वेंस वाइज वीडियो डालते हैं, मतलब ये नहीं कि आज ये पढ़ाया तो कल वो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दी, इस तरह से हमारा नहीं चलता। हम लोग बिल्कुल, आपने देखा होगा शुरू से मैंने सेल बायोलॉजी शुरू किया है तो मैं सिर्फ सेल बायोलॉजी पे ही फोकस्ड हूँ, मैं सारी वही सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उसके इनहिबिशन से, कुछ भी, मैं एक सिक्वेंस में चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे चल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस अलग से डालूंगा, वो हमारे इस लेक्चर सीरीज से अलग होंगी, लेकिन वो टॉपिक्स में डालूंगा जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे कॉम्पिटेंस क्या होता है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट क्या होता है, कंडीशनल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ से सीधे दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं एक लेक्चर बना के डाल दूंगा, जिससे आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तब मैं जब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग लेक्चर्स प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिया है। मैंने सेल बायोलॉजी का सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट वहाँ पर अपलोड किया है। गूगल फॉर्म के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो आप उसको सॉल्व कीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आगे चल के हम और भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आपका रिवीजन भी हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्लास हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।